बच्चों, आज के क्लास हम एक प्रार्थना द्वारा शुरू करेंगे। हे पवित्र आत्मा, आजा तू, तेरा मेरा कुछ नाता है, जन्मों का ये नाता है। आज की क्लास में हम मेल मिलाप संस्कार के बारे में मनन चिंतन करेंगे। बच्चों, आइए संत लूकस के सुसमाचार की एक घटना हम देखें। ज़क्कियुस नामक एक प्रमुख और धनी नकीदा यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह ईसा को देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वे उसी रास्ते से आने वाले थे। जब ईसा उस जगह पहुंचे, तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर ज़क्कियुस से कहा, ज़क्कियुस, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतर कर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। प्रभु ईसा के प्रेममय सानिध्य का अनुभव पाकर तथा उनके वचनों को सुनकर ज़क्कियुस ने अपने पापों पर पश्चाताप किया। उसने अपने पापों को प्रभु के सामने कबूल किया और उनके लिए प्रायश्चित करने का दृढ़ संकल्प बताया। प्रभु, देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है, उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। अब संस्कार क्या है? मेल मिलाप वह संस्कार है जो हमें पापों की क्षमा और फिर पापों में नहीं गिरने की शक्ति देकर ईश्वर और भाई बहनों से हमारा मेल कराता है। मेल मिलाप संस्कार क्या है? बच्चों, मेरे साथ बोलिए, मेल मिलाप वह संस्कार है जो हमें पापों की क्षमा और फिर पापों में नहीं गिरने की शक्ति देकर ईश्वर और भाई बहनों से हमारा मेल कराता है। मेल मिलाप संस्कार सुयोग्य रूप से ग्रहण करने के लिए पांच बातें पर ध्यान देना है। आत्मा की जांच करते हुए पापों को ढूंढ निकालना, पापों के प्रति पश्चाताप करना, फिर पाप नहीं करने का दृढ़ संकल्प लेना, पुरोहित को अपने पाप बताना, पुरोहित द्वारा दिया हुआ प्रायश्चित पूरा करना। पांचवा वाला है पुरोहित द्वारा दिया हुआ प्रायश्चित पूरा करना। ये पांच बातों पर हम ध्यान रखना है जब हम मेल मिलाप संस्कार सुयोग्य रूप से ग्रहण करने जाते हैं। अच्छी तैयारी के साथ मेल मिलाप संस्कार स्वीकार करने से हमको पापों की क्षमा तथा पापों में फिर नहीं गिरने की शक्ति और कृपा प्राप्त होती है। हमको पापों की क्षमा तथा
पापों में फिर नहीं गिरने की शक्ति और कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें मन की शांति तथा खुशी मिलती है और मन की शांति और खुशी मिलती है। ये है मेल मिलाप संस्कार के फल। मिलाप संस्कार के जरिए जिन पापों की क्षमा प्राप्त हुई है उन पापों के लिए प्रायश्चित करने का दायित्व भी हम पर निहित है। पाप के कारण ईश्वर के प्रति, भाई बहनों के प्रति और स्वयं के प्रति की हुई अपनी भूल चूक का ही हम प्रायश्चित करते हैं। पापों के प्रति प्रायश्चित पूर्ण होने के लिए पुरोहित द्वारा जो प्रायश्चित दिया जाता है उसके अलावा हमें और क्या क्या करना चाहिए? पुरोहित जो प्रायश्चित या सजा देते हैं उसके अलावा प्रार्थना, धर्मदान और सत्कर्मों के द्वारा भी हमें अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना है। मिलाप संस्कार की सबसे बड़ी बात पापों के प्रति हमारा पश्चाताप है। पश्चाताप के बिना किसी को भी इस संस्कार द्वारा पाप मोचन नहीं मिलता। यदि कभी पाप में गिर पड़े तो तुरंत हमें पश्चाताप करके ईश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर पाप गंभीर हो तो निकटतम भविष्य में मेल मिलाप संस्कार ग्रहण कर पाप मोचन पाना है। मेल मिलाप संस्कार की तैयारी की प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर, नीति कुमारी संत मरियम, मुख्य स्वर्गदूत संत मिखाइल, संत योहन बपतिस्मा, प्रेरित संत पत्रुस, पौलुस और थॉमस, सभी संतों तथा हे गुरुवर, आपके सामने मैं स्वीकार करती हूँ, विचार से, वचन से और कर्म से मैंने अनेक पाप किए हैं। मेरा कसूर, मेरा बड़ा कसूर। इसलिए नीति कुमारी संत मरियम, मुख्य स्वर्गदूत सब संत मिखाइल, संत योहन बपतिस्मा, प्रेरित संत पेत्रोस, पौलुस और थॉमस, सभी संतों तथा हे गुरुव, आपसे मैं विनती करती हूँ, मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। आमीन। प्रार्थना करें। हे ईसा, आप पापी को प्यार करते हैं, हमें पापबोध तथा पश्चाताप प्रदान कीजिए। बुराई से दूर रहने और भलाई में बढ़ने में सहायता दीजिए। आमीन।